Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक गुंडा अपने साथियों के साथ धारदार हथियार लेकर गांव वालों को डरा धमका रहा था, मगर गांव वालों ने इस गुंडे को पकड़कर इसकी हेकड़ी निकाल दी और इसे रस्सियों से बांधकर बंधक बना लिया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के शिवपुर का है। गाँव का ही एक नामी बदमाश जिसका नाम श्रीनिवास, जो पेशे से अपराधी छवि का है, गांव में ही एक घर में जाकर ये हथियारों से एक बुजुर्ग और एक महिला को डरा धमका रहा था, मगर महिला ने तभी शोर मचा दिया और शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और इस शातिर बदमाश की हेकड़ी निकाल दी, इसे बंधक बना लिया। आप भी देखें ये वीडियो। परेशान करते हैं, चक्की है, वैसे ही इन सभी अपराधियों को एक साथ बंधक बनाने के बाद गांव वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने इन्हें अपने साथ थाने लेकर गई। मामले की जांच की जा रही है, मगर वहीं पुलिस ने ये जरूर कहा है कि ये अपराधी छवि का है और इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने क्या जानकारी दी है आप भी। तो उसकी तस्दीक हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि एक तो श्रीनिवास जाटा है रघुनाथपुर का, ये वहाँ का गुंडा है जिसके करीबन 7-8 अपराध पहले से प्रतिबद्ध है। तो ये कुछ विनोद और गांजे की जो वो फिल्म होती है वो लेकर और कुछ तलवार वलवार इसके पास में थी और लाठी डंडा था, वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ किसी से पानी मांगा और झगड़ा करा इसने उनके साथ में, और उसके बाद उन्होंने सूचना दी तो गांव वालों ने कहा इनको बंधक भी बना लिया था। फिर इसके कोई एक दो साथी और थे इसकी मदद करने आए थे, उनको भी गांव वालों ने पकड़ लिया था, वो मोहम्मदपुरा के ही हैं। तो इसके पास जो भी तलवार वगैरह मिली है, चाकू छुरी और चिलम वगैरह जो गांजा वगैरह पीता है उसका आदि है, जो भी चीज़ें मिली हैं उन्हें हमने जब्त कर लिया है और इसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई बन रही है वो कर रहे हैं। गाँव वालों के द्वारा इसकी थोड़ी मार्केट वगैरह भी की गई है, उन्हें भी हम लोग